नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान क्रेडिट कार्ड देने में बैंक उदासीन, सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत। बिहार में कई जगहों पर AQI 200 के पार, सीबीएसई से मान्यता के लिए कड़े आवेदन। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सुरेश रैना ने की भविष्यवाणी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में फिर NIA की छापेमारी। बिहार में एक बार फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम की छापेमारी करने पहुंची है। बता दें कि मंगलवार यानी कि आज सुबह NIA ने पटना के फुलवारी शरीफ में गजवा ए हिंद से जुड़े दानिश के घर पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि दानिश सोशल मीडिया पर गजवा ए हिंद का करता धरता है। इस ग्रुप के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के मामले में की जा रही है। PFI दफ्तर से मिले दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि यह संगठन भारत को अगले 25 सालों में इस्लामी राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। इसके लिए देश भर में युवाओं को सांप्रदायिक दंगे और हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बिहार में कई जगहों पर AQI 200 के पार, मॉनसून की विदाई के बाद ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार की हवा फिर से खराब होने लगी है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बेगूसराय, बेतिया, हाजीपुर समेत अधिकतर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। राजधानी पटना में मंगलवार को यानी कि आज AQI 178 यानी बहुत खराब स्थिति में है। प्रदूषण के मामले में सबसे बुरा हाल उत्तर बिहार के शहरों का है। मोतिहारी में AQI सर्वाधिक 242 और बेतिया में 241 दर्ज किया गया, यह भी बहुत खराब स्थिति में है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में भी AQI 200 के पार है। बता दें कि AQI 100 के नीचे होने पर ही अच्छा माना जाता है। सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत। आज IRCTC घोटाले की जांच में लगे सीबीआई अधिकारियों व उनके परिवार को धमकाने के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव सीबीआई के विशेष अदालत में पेश हुए, जहां जज गीतांजलि गोयल के सामने तेजस्वी यादव के जमानत रद्द करने को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान सीबीआई जज के सामने तेजस्वी की तरफ से वकालत कर रहे अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कभी भी किसी सीबीआई अधिकारी को धमकी नहीं दिया। तेजस्वी यादव के वकील ने कहा, उसे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल था न कि धमकी दिया गया। जिसके बाद सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी की जमानत जारी रही तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनकी जमानत को रद्द किया जाए। इसके साथ ही तेजस्वी को हिदायत देते हुए कहा गया कि डिप्टी सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। चंडीगढ़ SIT का पटना में छापा। चंडीगढ़ की 10 सदस्यीय SIT टीम पटना में छापेमारी कर रही है। बता दें कि यह टीम 13 साइबर फ्रॉड का नंबर, मोबाइल नंबर, पता और बैंक खाता का डिटेल लेकर उन्हें तलाश रही है। सभी साइबर फ्रॉड बिहार और झारखंड के बताए जा रहे हैं। मिली सूत्रों की माने तो इस गिरोह ने चंडीगढ़ के एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ 75 लाख से अधिक की ठगी की है। चंडीगढ़ SIT ने सोमवार को दिघा, कदमकुआं, शास्त्रीय नगर के इलाके में छापेमारी की है, जहां दिघा में छापेमारी कर टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और उससे गुप्त रूप से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दिघा से जिस युवक को गिरफ्तार किया है वो चंडीगढ़ के जगदीश प्रसाद यादव से 4.80 लाख की ठगी में आरोपी है। सीबीएसई से मान्यता के लिए कड़े आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंगलवार से अपना सरस पोर्टल ओपन करने जा रही है। यह पोर्टल मुख्य रूप से सीबीएसई से संबद्धता के लिए काम करता है। ऐसे में इस बार यानी सत्र 2023-24 में सीबीएसई से संबद्धता के लिए इसे शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक स्कूल 10वीं और 12वीं संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस बार सीबीएसई से संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों की फिजिकल जाँच भी होगी। इसके अलावा इस बार मिडिल स्कूल के सिलेबस के लिए भी संबद्धता की जाएगी। इसके साथ बोर्ड ने कहा है कि जो स्कूल शिफ्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और साथ ही 10वीं और 12वीं को अपग्रेड, अतिरिक्त विषय या सोसाइटी और ट्रस्ट का नाम बदलने के लिए 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मिस्टर इंडिया बने पटना के नील आर्यन। दो दिन पहले चेन्नई में आयोजित रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के 36 प्रतिभागियों में खिताब जीतने वाले बिहार के प्रथम युवा अनिल आर्यन ठाकुर का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया।
खिताब जीतने के बाद पटना पहुंचे सहरसा के नील के आगमन की सूचना जैसे ही उनके प्रशंसकों तक पहुंची तो भारी संख्या में प्रशंसक पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान नील ने बताया कि उन्होंने मिस्टर इंडिया बनने का सपना 10 साल पहले देखा था, लेकिन 2 साल पहले इसको लेकर गंभीर हुआ, जिसके बाद कई तरह के डाइट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम किया। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मिस्टर मॉडल वर्ल्ड वाइड में भारत का प्रतिनिधित्व करके कजाकिस्तान जाने की तैयारी में जुटे नील ने बताया कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में फैशन की दुनिया को लेकर लोगों को जागरूक कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड देने में बैंक उदासीन। बिहार के किसानों को साहूकार के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। बैंकों के ढुलमुल रवैये के कारण वर्ष 2022 से 23 में केसीसी योजना लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीने बीत जाने के बाद भी नए केसीसी लक्ष्य 37,50,035 का 16.09% ही बन पाए हैं। बता दें कि पूरे राज्य में कुल 38.70 लाख किसानों को केसीसी दिए गए, जिसमें से 16.64 लाख किसानों के पास बैंक का 11,566 रुपए बकाया हो गया है। राज्य में केसीसी मामले में बैंक का एनपीए बढ़कर 44.77% हो गया है। बता दें कि केसीसी का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना है। बिहार के 81 लाख किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के रूप में 81.60 लाख किसानों के बैंक खाते में 1,632 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई। इसके अतिरिक्त 45,000 किसानों की बकाया किस्त के रूप में 9 करोड़ रुपए का अंतरण भी उनके खाते में किया गया। इस प्रकार बिहार के किसानों के बैंक खाते में 1,641 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि देश के सभी रैयत किसानों के परिवारों को आय सहायता देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना सभी रैयत किसान परिवार जिनके नाम से कृषि योग्य जमीन एवं जमा बंदी है, वैसे किसान परिवार को आर्थिक सहायता के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। इसके अंतर्गत रैयत किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपए के 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। बीपीएससी ने जारी किया पीटी का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अंकेक्षण अधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि सामान्य श्रेणी पुरुष व महिला का कट ऑफ क्रमशः 94 व 87 है। ईडब्ल्यूएस का क्रमशः 88 व 82 है। एससी का 80 व 66 है। ईबीसी का 86 व 78 है। बीसी का 90 व 81 तथा बीसीएस श्रेणी का 78 अंक है। मुख्य परीक्षा की जानकारी जल्द ही अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। बताते चले कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त को राज्य के 53 केंद्रों पर किया गया था। तेजस्वी के जमानत रद्द को लेकर बिहार में दिखा असर। सीबीआई अधिकारियों को धमकाने के मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग को खारिज करने के कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में अलग अलग पार्टियों से प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें राजद और कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कहा है कि अब उम्मीद है कि जांच एजेंसियों के खिलाफ राजद के नेता अपनी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात करेंगे। वहीं इस फैसले पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, साथ ही बिहार की जनता का आशीर्वाद है, राहत मिला है, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी पूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसके साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ ने कहा कि उन्हें शुरू से ही लग रहा था कि सीबीआई का यह काम पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आज कोर्ट में हुई सुनवाई ने यह साबित कर दिया कि केंद्र सरकार कैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने खोल दिया बड़ा राज। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजद की तरफ से नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए उनके करीबी नेता को सुपारी दी गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ललन सिंह अब पिछड़ा समाज के आइकॉन बन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह अनायास नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल ललन सिंह आरजेडी से नीतीश के राजनीतिक विध्वंस की सुपारी ले चुके हैं, इसलिए ललन सिंह जानबूझकर वह सारे काम कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की छवि और उनका वोट बैंक ध्वस्त हो सके। सुशील मोदी पर ललन सिंह का पलटवार। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद से लगातार सियासत हो रही है। ऐसे में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरक्षण को लेकर बिहार सरकार को घेरा, तो अब सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और आरक्षण विरोधी लोगों द्वारा अति पिछड़ों के लिए चिंता करना सिर्फ दिखावा है, उनके लिए बिना रिजर्वेशन सुनिश्चित किए नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने
लिखा है कि सुशील जी आप निश्चिंत रहिए, आपको बता दें बीजेपी नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। मुकेश सहनी का दावा, बिहार में बन रहे सियासी समीकरण का लाभ वीआईपी को मिलेगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीते दिन भाजपा पर एक बार फिर से सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो उनके पार्टी के साथ किया उसका फल भाजपा को मिल गया है, भाजपा को सरकार से हाथ धोना पड़ा। दरअसल बीते दिन रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आने वाले समय में बिहार में जो सियासी समीकरण बन रहा उसका सबसे बड़ा लाभ जहां वीआईपी को मिलेगा वहीं सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को उठानी पड़ेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में किसी भी राजनीतिक पार्टी की नैया डूबने से बचाने के लिए वीआईपी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2024 में वीआईपी प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार को देखकर उसके साथ गठबंधन करेगी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सुरेश रैना ने की भविष्यवाणी। वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू हो चुके हैं लेकिन सुपर 12 के मुकाबले 22 अक्टूबर से खेले जाएंगे, जबकि भारत अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस बड़े मुकाबले को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी एक भविष्यवाणी की है। रैना ने कहा है कि यदि हम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जीत गए तो हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। टीम अच्छा कर रही है, हमारे पास अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव हैं और सभी फॉर्म में हैं। विराट कोहली अच्छे टच में हैं, रोहित शर्मा अच्छे लीडर हैं। अगर हम पहला मैच जीतते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं कि टीम वर्ल्ड कप जीते। पूरे बिहार में आज तेल के दाम, मंगलवार यानी कि आज बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। हालांकि गया, सारण और नालंदा में तेल के दामों में हल्का इजाफा हुआ है, जिसके बाद गया में पेट्रोल के दाम में 40 पैसे और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। छपरा में भी पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 22 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। इसी तरह बिहार शरीफ में पेट्रोल के रेट में 5 पैसे और डीजल में 4 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। दूसरी ओर सासाराम में तेल 37 पैसे और औरंगाबाद में 47 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। राजधानी पटना में मंगलवार को पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए में बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कविता कुमारी, कुलदीप कुमार, सत्यम कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, रविशंकर, खुशबू कुमारी, अभिजीत कुमार, उमेश ऋषिदेव, सिफोन कुमार, राकेश शर्मा, रवि कुमार राम, मुतुल रंगीला, भान प्रकाश मौर्य, सवा जफर, नोनू कुमार, ऋतिक रोशन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।